जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित गंगाधर पांडे ने किया शाहपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा, आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग। जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित गंगाधर पांडे ने गुरुवार को शाहपुर प्रखंड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ शाहपुर प्रखंड को बाढ़ आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की, बल्कि अपने स्तर से भी पीड़ितों को सहायता करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि बांध पर काफ़ी संख्या में लोग घर छोड़कर बाढ़ के कारण रह रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर मैं सहायता करूंगा। उन्होंने कहा कि तत्काल सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे ताकि लोगों को सहायता मिल सके। नहीं मिली सहायता तो पंडित गंगाधर पांडे ने बाढ़ पीड़ितों के लिए गंगा में दो नाव भाड़े पर लेकर उतारा। गंगाधर पांडे ने अपने ही सरकार से की बांध पर रह रहे लोगों के लिए सहायता की मांग। बोले, जनरेटर लगेगा तो बच सकती है जीव जंतु से जान। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की तरफ से बांध पर जनरेटर की व्यवस्था की गई रहती तो सांप बिच्छू आदि जैसे विषैले जानवरों से लोग बच जाते। उनके काटने से जो मौत हो रही है, जो लोग उनसे पीड़ित हो रहे हैं, उससे बचाव होता और लोगों की जान बच जाती। इतना ही नहीं, वहां पर यदि कम्युनिटी किचन की व्यवस्था होती तो लोग भूख से विलखते और तड़पते नहीं। उन्होंने दो नाव कोइलवर से भाड़े पर मंगवाकर लोगों की सहायता के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उतारा है ताकि लोग आवागमन कर सके और उनकी जान बचाई जा सके। अभी ज्वलंत मुद्दा है सर, भोजपुर इलाका शाहपुर प्रखंड तमाम 20 पंचायत जल अप्लावित हो चुके हैं, तमाम आबादी जलमग्न है और राज्य सरकार जिला प्रशासन से मैं आप लोग के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि अविलंब शाहपुर प्रखंड को बाढ़ग्रसित प्रखंड घोषित करते हुए प्रत्येक पीड़ित परिवार के खाते में 6,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ टीले पर ऊंचे जगह पर आश्रय लिए हुए लोगों के बीच जनरेटर की व्यवस्था की जाए, रात में सर्प और बिच्छू जो काट रहे हैं और सामयिक निधन हो रहा है वो नहीं, सुगम आवाजाही के लिए नाव की व्यवस्था की जाए। नाव के संबंध में मैं जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि निजी नाव का अधिग्रहण किया जा रहा है, प्रतिदिन 2500 रुपये भुगतान किए जा रहे हैं, लेकिन निजी नाव स्वामी सार्वजनिक उपयोग में न रख करके अपने निजी परिवार के उपयोग में रख रहा है, जो खेदजनक है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। मेरा राज्य सरकार और जिला प्रशासन से बार बार निवेदन होगा कि अविलंब मेडिकल टीम भेजी जाए और सभी पीड़ित परिवारों के लिए मेडिकल कैंप के साथ नगद राशि और पॉलिथीन सीट और जो पक्का खाद्य पदार्थ है यह उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। आप शाहपुर के राजनीति में खासा महत्व रखते हैं और अभी की फिलहाल स्थिति में कई ऐसे गांव हैं गंगा के तटवर्ती है जिनका संपर्क अभी कट चुका है मुख्यालय और प्रखंड स्तर से, उन लोगों के लिए क्या खाने पीने की भी समस्या हो रही, क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी बात बोले, दामोदरपुर पंचायत जो बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, लच्छू टोला पंचायत, गौरा पंचायत, यह उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है गंगा किनारे, वहाँ के लोग जिला मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय से कट चुके हैं। इसीलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि ये लोग अपने बांध पर आकर के शरण लिए हुए, तो बांध पर काफ़ी झुग्गी झोपड़ी लग गई है, वहाँ सरकार के तरफ से जनरेटर की व्यवस्था होती तो रात में सर्प बिच्छू से रक्षा मिलता। इसके बाद कम्युनिटी किचन सामुदायिक रसोई का संचालन यदि किया जाता, वो भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, सरकारी मुलाजिम पदाधिकारी के देखरेख में, तो निश्चित रूप से हर परिवार और हर आश्रय लिए हुए व्यक्तियों को खाना पीना का व्यवस्था हो जाता, मेडिकल टीम का वहाँ प्रतिनियोजन हो जाता, तत्काल नाव बाहर से नाव मंगा करके वहाँ चयनित कर दिया जाता तो लगता है कि कुछ सुगम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आपके द्वारा क्या किया जा रहा है फिलहाल वहाँ? मैं अपने स्तर से पक्का खाना भेजने का प्रयास किया हूँ, मैं दो नाव कोइलवर से भाड़े पर मंगवा करके आज भेजने का काम किया और मैं सोच रहा हूँ कि अपने जा करके यदि जिला प्रशासन नहीं करता है तो मैं निश्चित रूप से अपने निजी मद से दो जनरेटर बांध पर लगवा करके दिन रात चलवाऊँगा कि किसी को दिक्कत ना हो और जो भी तत्काल हमसे हो पाएगा मैं करने के लिए सर्वथा प्रयत्नशील हूँ और जनता से संपर्क बनाए हुए हूँ।